हेलो, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आज के इस मैटलैब के वीडियो में देखेंगे हाउ टू जनरेट अ रैंडम बाइनरी सिग्नल। इस रैंडम सिग्नल पे हमने एक दो वीडियो पहले भी बना चुके हैं, तो आप अगर देखना चाहते हैं कि वो रैंडम सिग्नल क्या होते हैं या रैंडम वैल्यूज कैसे जनरेट कर सकते हैं तो वो आप देख सकते हैं। और एक बार मैं इसको रिवाइज भी करा देता हूँ ताकि रैंडम बाइनरी सिग्नल जनरेट करने से पहले रैंडम सिग्नल क्या होता है और रैंडम वैल्यूज कैसे जनरेट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रैंडम वैल्यूज जनरेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड यूज में होता है वो होता है RAND। तो सपोज मैं एक्स के अंदर एक्स हमारे पास एक वेरिएबल लिया हमने, एक्स के अंदर मैं रैंडम वैल्यू जनरेट करना चाहता हूँ 0 से 1 के बीच में। तो कमांड RAND 1 row and 10 column। तो इस कमांड को ध्यान से देखिए, इसके अंदर हमने RAND ब्रैकेट के अंदर 1 row and 10 column असाइन किया है। ये क्या करता है RAND कमांड, कि आपको 0 से 1 के बीच में वैल्यूज प्रोवाइड करता है। तो कितने वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, सिंगल रो के अंदर 10 वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 वैल्यूज प्रोवाइड की जो सब 0 से 1 के बीच में रैंडम वैल्यू है। तो पहली है 0.8173, दूसरी है 8687, वैसे ही करके हमारे पास 10 वैल्यूज आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 10 क्रॉस 10 का रैंडम वेरिएबल जनरेट हो जाए जिसके अंदर 0 से 1 की वैल्यू स्टोर हो। वही कमांड हम वापस टाइप करेंगे और यहाँ पे बस लिख देंगे 10, इधर 10 रोज 10 कॉलम, या फिर अगर मैं डायरेक्ट 10 भी लिख दूँ तो आपको 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स बता देगा। तो इसको अगर देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 क्रॉस 10 की डबल वैल्यू आ गई, यानी 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स जनरेट हो गया है। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। अब इसी टाइप से हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि अगर मुझे पर्टिकुलर रेंज में वैल्यू जनरेट करनी हो तो पर्टिकुलर रेंज में वैल्यू कैसे जनरेट करते हैं। तो पर्टिकुलर रेंज में हमें अपनी खुद की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, कि सपोज 2 से 3 के बीच में अगर मुझे जनरेट करना हो तो 2 और 3 के बीच में अपने को रेंज देना पड़ता है। तो वो देख लेते हैं उसके लिए कमांड क्या था। उसके लिए सपोज मैं एक वेरिएबल वाई लेता हूँ, और जो कमांड यूज में लिया था वो हमने RANDI ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यूज अपनी असाइन करनी है। सपोज मैं 2 से 5 के बीच में देता हूँ तो 2 space 5 आपको कितने रोज एंड कॉलम में चाहिए। तो मैं सिंगल रो एंड 5 कॉलम, यानी मुझे सिर्फ 5 वैल्यू चाहिए, तो सिंगल रो 5 कॉलम हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ, तो 2 और 5 के बीच में ही रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। कितनी, 1 row 5 column, यानी कि 5 वैल्यूज। तो चलिए एंटर करते हैं। एंटर किया तो यहाँ देखिए 2 और 5 के बीच में 5 वैल्यू उसने जनरेट करके दे दी। और वही मैं चाहता हूँ इसी कमांड को, कि मुझे 10 वैल्यूज चाहिए या 8 वैल्यूज चाहिए। तो एंटर करता हूँ तो आपके पास 8 वैल्यूज आ जाएगी जो 2 और 5 के बीच में। ये तो हुआ पर्टिकुलर रेंज में मुझे अगर रैंडम वैल्यूज इंटीजर जनरेट करना हो। अब मुझे अगर बाइनरी वैल्यू जनरेट करना हो, बाइनरी वैल्यू क्या होती है, आइदर 0 और 1। तो मैं बाइनरी वैल्यू लिखना चाहूँ तो 0 1 0 1 कुछ भी हो सकता है। अगर रैंडम लेते हैं तो 0 1 कुछ भी हो सकता है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा। तो इस टाइप के सिग्नल को जनरेट करने के लिए, इस टाइप के सिग्नल को जनरेट करने के लिए कौन सा कमांड में यूज लेंगे, तो वो देखते हैं। यहाँ पे एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए उसके लिए जो कमांड यूज में लेते हैं, सपोज एक वेरिएबल ले लिया मैंने सी, सी के अंदर वो कमांड यूज करता हूँ, उसका कमांड होता है RANDINT। ये कमांड होता है जो आपको बाइनरी वैल्यू प्रोड्यूस करता है, RANDINT। तो सपोज मुझे 1 row and 5 column के अंदर, यानी 5 वैल्यू मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको रन करता हूँ, रन करते ही आपको क्या दे देगा, 5 वैल्यू दे देगा जो 0 और 1 के बीच में, यानी कि बाइनरी वैल्यू है। अब हमारा एम है कि इस बाइनरी वैल्यू को प्लॉट करके देखना। सपोज सी इक्वल्स टू, वापस वही कमांड ओवरराइट कर देते हैं। ओवरराइट करने के लिए वापस से अगर वही वेरिएबल को असाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाता है। मैं 10 वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे और फिर एंटर करता हूँ। सी के अंदर बाइनरी वैल्यू असाइन हो चुकी है। तो यहाँ देखिए सी के अंदर वैल्यूज असाइन हो चुकी है। यहाँ अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा 1001 1001 01, ठीक है।
तो अब मुझे इसी को प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए अगर मैं सिंपल सा प्लॉट कमांड लूँ, ले सी देख लेते हैं वापस से, प्लॉट कमांड लूँगा तो ये कंटिन्यूअस वैल्यू देगा। तो इसके लिए हम कमांड यूज़ लेते हैं स्टेम। तो चलिए देखते हैं, स्टेम सी किया हमने, एक बार देख लेते हैं कौन सी वैल्यू हुई और क्या आउटपुट आया है। तो ग्राफ के अंदर देखिए पहली वैल्यू 1 है, तो 1 फिर 0 0 1 1, तो वही यहाँ पे आया है, पहली वैल्यू 1 है फिर 0 0 1 1, पहली वैल्यू 1 0 0 1 1 और आगे वाली 0 0 1 0 1, तो 0 0 1 0 1। तो आप देख सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए RAND और INT कमांड यूज़ में लेते हैं। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना हो, यानी बाइनरी वैल्यू का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना हो, तो सिंपल सा वही टाइप करूँगा RAND INT, और सपोज मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ, तो ये 4x4 का मैट्रिक्स दे देगा जिसके अंदर वैल्यूज रैंडमली 0 और 1 असाइंड हो। इस टाइप के वेरिएबल्स को प्लॉट करने के लिए हमने तीन कमांड देखे। सबसे पहले कमांड था RAND, दूसरा कमांड था RANDI और तीसरा कमांड है RANDINT। तो इन तीनों में हमने क्या देखा, पहले के अंदर देखा कि जो रैंडम वैल्यूज असाइन होंगी वो 0 से 1 के बीच में असाइन होंगी, कोई भी वैल्यू। RANDI का मतलब हमारे पास वेरिएबल असाइन वो इंटीजर वैल्यू असाइन हुए, वो देख लेते हैं यहाँ पे RANDI 1,10 देते हैं। तो यानी आपका स्पेसिफिक वैल्यू हमने असाइन नहीं किया, तो सिर्फ 1 को ही 10 रोज एंड 10 कॉलम में जनरेट कर दिया। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप अपनी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दें, नहीं तो वो जो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे यानी यहाँ पे वो वैल्यू ही असाइन करके दे देगा। तो 1,1 स्पेस 2 देता हूँ और 10 देता हूँ, तो 10x10 का मैट्रिक्स दे देगा जिसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो। तो ये देखिए आपके पास आ गया। और हमने लास्ट जो कमांड देखा वो देखा RANDINT, रैंडम इंटीजर। ये क्या करता है, नाम तो INT है बट ये प्रोड्यूस करता है बाइनरी वैल्यू, यानी कि मुझे 0101 के फॉर्म में कोई वेरिएबल लाना है या कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो उस रैंडम फंक्शन को यूज करके हम रैंडम बाइनरी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होता है RANDINT। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। WsCubeTech चैनल पर लेटेस्ट वीडियो की अपलोड की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।